हेलो, माय नेम इज़ सौरभ प्रजापति एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनेंस साइंस थर्ड ईयर एंड माय टॉपिक इज क्रिप्टोग्राफी। सो वी लर्न अबाउट व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड द डिफरेंस बिटवीन हैश फंक्शन, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज द टेक्निक यूज फॉर सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मैसेजेस थ्रू कोड्स एंड बेसिक सेट्स ऑफ एल्गोरिथम। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ टेक्निक मैसेज को एनक्रिप्ट करने का और डिक्रिप्ट करने का टेक्निक जो होता है उसे बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। इसमें बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स यूज होते हैं जिनको बोला जाता है एल्गोरिथम्स, जिसके थ्रू की जनरेट होता है, जिसके थ्रू हम मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं, फिर बाद में उसे डिक्रिप्ट करते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सो पहला फीचर क्रिप्टोग्राफी में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी को इस तरीके से बोला जा सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जिस पर्सन को भेजा गया है, जिस पर्सन के देखने के लिए इंटेंडेड है, सिर्फ वो उसी पर्सन उस मैसेज को देख सकता है। ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्रिप्टोग्राफी हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी को इस तरह से बोल सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है जो भेजा गया है सेंडर से लेके रिसीवर तक के बीच में, उस मैसेज में कोई टैम्परिंग नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। दूसरा होता है नॉन रेप्यूडिएशन। अब नॉन रेप्यूडिएशन जो जो क्रिएटर होता है वो अपना इंटेंशन छुपा नहीं सकता आफ्टर सेंडिंग द मैसेज कि नहीं, मैंने मैसेज नहीं भेजा है, मैसेज मेरे थ्रू नहीं गया। ये चीज़ क्रिप्टोग्राफी हमें प्रोवाइड करती है। लास्ट इन द लिस्ट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऑथेंटिकेशन क्या होगा? जैसे जो पर्सन है जिसने मैसेज भेजा है और जो रिसीवर है जिसने मैसेज रिसीव करा है, वो चीज़ स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन कंफर्म होता है कि जो जिसने भेजा है वो रिसीवर वही है, सॉरी जिसने भेजा है वो सेंडर वही है और जो रिसीवर है वो भी वही है। कोई दूसरा पर्सन ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं, मैं रिसीवर नहीं हूँ, मैं सेंडर नहीं हूँ। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आते हैं क्रिप्टोग्राफी में वो होते हैं प्लेन टेक्स्ट, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, सीक्रेट की, साइफर टेक्स्ट और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट कुछ नहीं, बस एक सिंपल को मैसेज होता है जो भी आप सेंड करना चाहते हैं, कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, सिंपल फॉर्म में वो होता है प्लेन टेक्स्ट। दूसरा आता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। अब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है? जो मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। फिर आता है सीक्रेट की। सीक्रेट की वो होता है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के टाइम पे काम आता है। अगर ये जैसे अगर सिमेट्रिक है तो इंक्रिप्शन की सिर्फ एक ही होता है, और जैसे एसिमेट्रिक है तो उसमें दो कीज़ यूज होते हैं, एक इंक्रिप्शन के टाइम पे, एक डिक्रिप्शन के टाइम पे। उसके बाद आता है साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट वो है जो टेक्स्ट था प्लेन टेक्स्ट, उसको एल्गोरिदम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म किया साइफर टेक्स्ट में, जिसको नॉर्मल पर्सन ऐसे पढ़ नहीं सकता, वो होता है साइफर टेक्स्ट। उसके बाद आता है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, जो की यूज होता है, जो एल्गोरिथम यूज़ होता है जो साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट में, वो उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी पे। तो इन जनरल तीन टाइप्स के क्रिप्टोग्राफी होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। उसमें से पहला होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इसमें क्या होता है? जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है इसमें एक ही की का यूज़ होता है। अब एक की इंक्रिप्शन के लिए भी यूज़ होगा, डिक्रिप्शन के लिए भी यूज होगा। और जो स्ट्रेंथ होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का, वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि जितना कितने नंबर का बिट्स का की यूज़ हुआ है, जैसे 128 होता है, 256 बिट्स ऑफ की होते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से थोड़ा सा स्लाइटली फास्टर होता है, जस्ट बिकॉज उसमें एक ही की यूज़ होता है तो वो थोड़ा फास्टर होता है। बट जैसा कि इसका एक प्लस साइड है, वैसा ही एक इसका माइनस साइड भी है। जैसे ये फास्टर होता है एसिमेट्रिक से, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ एक ही की का यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो की है उसको सेंडर तक पहुंचाने का दिक्कत, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर की के साथ किसी और को वो चला गया, किसी के थ्रू वो किस
सेंडर के अलावा किसी और को पास है तो वो मैसेज कोई और भी डिक्रिप्ट कर सकता है। ये इस चीज़ का ड्रॉबैक होता है जो जो सिमेट्रिक मेथड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक सिस्टम होता है वो होता है डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है, जो प्लेन टेक्स्ट होता है, वो एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में इंक्रिप्ट होता है, 64 बिट्स के ब्लॉक्स में। एक 64 के बिट्स में, एक ब्लॉक में जितने डेटास आएंगे, जितने टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, वो जाते हैं एक एक बैच के साथ। ऐसा होता है डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम में। अब इसके बाद आता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि इसमें पब्लिक की का यूज़ किया जाता है। इसमें दो कीज़ होते हैं, एक पब्लिक की जो कि इंक्रिप्शन के काम आता है, और सेकेंड की अ प्राइवेट की जो कि डिक्रिप्शन के काम आता है। इसमें जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो प्रॉब्लम थी की के मिसमैच होने, सिमेट्रिक की में जो मेन प्रॉब्लम था की डिस्ट्रीब्यूशन का, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में वो चीज़ सॉल्व किया जाता है क्योंकि इसमें दो कीज़ का यूज़ होता है। अगर पब्लिक की लोगों को पता है, सारे लोगों को पता है, फिर भी वो मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं किया कर सकते क्योंकि डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का यूज़ होता है जो कि सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर के पास ही होता है। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है, जो इसका जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि जो बल्क में मैसेजेस होते हैं, जितने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, लाइक आप एक टाइम पे सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मैसेज ही सेंड कर सकते हैं, थोड़ा अमाउंट ऑफ डेटा ही आप सेंड कर सकते हैं। इसमें एक ये ड्रॉबैक होता है। एंड लास्ट में आता है हैशिंग। तो हैशिंग क्या होता है, इसमें इंक्रिप्शन की डिक्रिप्शन की यूज़ नहीं होता है, इसमें कुछ और होता है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग द प्लेन टेक्स्ट एंड कन्वर्टिंग इनटू अ हैश वैल्यू ऑफ फिक्स्ड साइज बाय हैश फंक्शन। इस मेथड में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हैश वैल्यू का यूज़ किया जाता है। अब हैश वैल्यू क्या होता है, हैश वैल्यू एक तरीके से मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं जो कि हर किसी डेटा को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कभी चेंज नहीं होता जब तक कि उस डेटा में, उस टेक्स्ट में, या उस जो भी वो मैसेज है उसमें कोई भी बदलाव ना हो। इसमें जो है ये प्रोसेस इंटीग्रिटी मेंटेन करता है एज हैश वैल्यू दोनों साइड के, सेंडर साइड के एंड रिसीवर साइड के मैच होने चाहिए, जिससे ये कंफर्म होता है कि मैसेज अनअल्टर्ड है। अब इसका यूजेस कहाँ होता है, तो मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस हैश फंक्शन टू इनक्रिप्ट पासवर्ड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पासवर्ड इनक्रिप्ट करने के लिए इनमें हैश फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। इसमें डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया वो हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू रिसीवर के पास गया, और जो रिसीवर के पास से उसमें जो मैसेज वो उसे पा मिला था, जो रिसीव किया था, वो हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू डिक्रिप्ट हुआ, और वो दोनों मैसेज को, हैशिंग को इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें पहले देखा जा रहा है कि सेंडर में, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, हैश थ्रू हैशिंग एल्गोरिथम उसे इनक्रिप्ट किया गया और वो रिसीवर के पास सेंड किया गया। सेकंड में रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया है वो हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू डिक्रिप्ट किया जाता है, इसको फिर बाद में मैच किया जाता है। मैच क्या किया जाएगा, हैश वैल्यूज। अगर हैश वैल्यू सेम है तो मैसेज अनअल्टर्ड है, इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज इज मेंटेन, ये चीज़ वो इंश्योर करता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हैश फंक्शन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। इसमें एक टेबल दिया है, इस टेबल के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि हैश फंक्शन सिमेट्रिक एल्गोरिथम एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला नंबर ऑफ कीज, जो हैश फंक्शंस है उसमें कोई भी की यूज़ नहीं होता है, उसमें सिंपली हैश फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, उसे बाद में मैच किया जाता है सेंडर्स के साइड से और रिसीवर्स के साइड से, मैसेज अनअल्टर्ड है या नहीं है। दूसरा आता है सिमेट्रिक एल्गोरिथम। सिमेट्रिक में हमने पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक में सिर्फ एक की का यूज़ किया जाता है जो कि पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होता है, सेंडर्स और रिसीवर के पास दोनों सेम की होंगे, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए भी सेम की यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है फिर असिमेट्रिक एल्गोरिथम। अब एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स में दो की यूज़ किए जाते हैं, एक पब्लिक की जो कि मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा आता है प्राइवेट की जो कि मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सेंडर्स के रिसीवर के पास प्राइवेट की होगी और सेंडर्स के पास पब्लिक की होगी। अब दूसरा आता है लेंथ ऑफ की। अब जो लेंथ ऑफ की रिकमेंडेड है हैश फंक्शंस के लिए वो 256 बिट्स है, और सिमेट्रिक के लिए 128 बिट्स है, और एसिमेट्रिक के
2048 बिट्स है। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं, एग्जांपल पे आएगा हैश फंक्शंस के लिए आएगा SHA-256, SHA-3-256, SHA-512, और सिमेट्रिक के लिए आएगा AES, और एसिमेट्रिक के लिए आएगा RSA, DSA, ECC। थैंक यू।